छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव जिले की धर्मनगरी डोंगरगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा जमीन फर्जीवाड़ा सामने आया है। लगभग 6 माह पूर्व डोंगरगढ़ के ही एक पत्रकार ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी निकालकर डोंगरगढ़ के सबसे बड़े जमीन फर्जीवाड़े का खुलासा किया था, क्योंकि फर्जीवाड़ा भी छोटा मोटा नहीं बल्कि करोड़ों में किया गया है। सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के अनुसार नजूल शहर डोंगरगढ़ शीट क्रमांक 1 भूखंड क्रमांक 405, जिसका वास्तविक क्षेत्रफल 5000 स्क्वायर फीट है और यह जमीन वर्ष 1972 से 2012 तक शेख वजीर निवासी डोंगरगढ़ के नाम से दर्ज है। इसी जमीन को वर्ष 2012 में तहसील न्यायालय डोंगरगढ़ में फर्जी प्रकरण चलाकर तत्कालीन कार्यभारित नजूल निरीक्षण ताराचंद बागड़े एवं तत्कालीन तहसीलदार सुंदरलाल धित लहरे एके द्वारा कूटरचना कर सिर्फ विलास जमलापुर एवं अन्य के नाम पर दर्ज किया गया, बल्कि उसके क्षेत्रफल में भी छेड़छाड़ कर उसे 1,35,036 स्क्वायर फीट कर दिया गया है, जो वर्तमान तक दर्ज है। मामला प्रकाश में आने के बाद तत्कालीन एसडीएम प्रेम प्रकाश शर्मा के द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए एक जांच टीम गठित की गई, जिसमें 2 राजस्व निरीक्षक एवं 1 नजूल निरीक्षक को शामिल किया गया। इससे पहले की जांच कार्यवाही में बदलती एसडीएम शर्मा को स्थानांतरण हो गया और अब उनके स्थान पर नए एसडीएम अविनाश भोई आए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या जिस जांच को कार्यवाही का अमली जामा पहनाने का बड़ा बीड़ा तत्कालीन एसडीएम प्रेम प्रकाश शर्मा ने उठाया था, उसे नए एसडीएम अविनाश भोई आगे बढ़ाते हैं या नहीं। चूंकि उक्त जमीन थाना चौक के बोरतलाव जाने वाले मार्ग पर स्थित है, जो 2 राज्यों को जोड़ने और मुख्य मार्ग से है, और ऐसी जगह पर जमीन का मूल्य अधिक होता है। इस संबंध में एसडीएम अविनाश भोई ने कहा कि यह प्रकरण तत्कालीन एसडीएम द्वारा चलाया गया था, इसलिए मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है। जानकारी लेकर मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। कितने भाई थे? शेख वजीर के कितने बच्चे थे? शेख वजीर के 4 बेटे और 2 बेटियां थी, और एक जो इकबाल का जो दिलावर करके लिखा हुआ है ना, उसके हमारे ससुर वो लड़की को ले आए थे, उनको पाले थे, लेकिन गोद वगैरह में नहीं था, मतलब पाले थे उनको, बच्चे को पाले थे। कुछ नहीं है ना, तो उसका 4 बेटे और 2 बेटे, 2 बेटियां। चार बेटों का क्या नाम? चार बेटों में मरहूम शेख रमजान, मतलब स्वर्गीय है मरहूम शेख रमजान, और फिर मरहूम शेख अजी। अब उसके बाद आएगा शेख बब्बू, उसके बाद शेख परवेज उर्फ बब्बू। परवेज लिख लीजिए, परवेज ना उसी में है ना भाई। बेटियों का नाम है एक जोहरा दी, एक लच्छी, लच्छी बाई उर्फ नसीमा, लच्छी भी है, लच्छी भी नसीमा लिख लीजिए, उर्फ नसीमा, घर में लच्छी बोलते थे, नाम उनका नसीमा है। क्या है पट्टा? एक पट्टा अपने पास नहीं था, ये अपना जो टेप से पटाए थे ना वो था, और ये जो नवीनीकरण के लिए जो कागज आया था, आवेदन आई थी, 2 लड़के 1 लड़की, 85 का, 85 में आवेदन आने पे फिर आप लोग मिले नहीं क्या आकर के एसडीएम साहब से? मिले थे जी, आते भी थे हमारे से, पैसे ही नहीं आता था उसमें, पैसे हमारे ऊपर पैसे ना, हमारे डेट जल के खत्म हुए थे, उसी दरमियान पट्टा जल गया था। फिर उस समय ना अज्जू के 3 लड़के 1 लड़की, एक बब्बू के 2 लड़के ही। तो एक वर्तमान में नहीं है, एक लड़का है जीवित, एक लड़का खत्म है चुका है, एक जीवित जी है, एक स्वर्गीय है, वो है पता करवाएगा। 3 बेटे हैं, 2 बेटी थी, वो भी 2 बेटे हैं, दोनों साथ नहीं जाएंगे।
कभी आपको जमीन के बारे में बताया? पिताजी क्या थे, बच्चे छोटे छोटे थे, हम लोग छोटे थे, उसी दौरान पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया, समझ लो, कुछ बताने ही नहीं पाए थे, सिर्फ हमारे मिस्टर थे ना, उनको थोड़ी बहुत जानकारी थी कि हमारा जमीन यहाँ पर है करके। क्या उम्र थी आपकी? समय मेरी उम्र थी लगभग वही 10 करीब रहा हूँ। मेरे मिस्टर जब वो इंतकाल हुए तो अभी 18-20 साल के रहे भैया, वो 20-22 उनकी शादी 84 में हुई थी हमारी शादी, उसके अनुमान के अनुसार में वो वैसे रहे हैं। 20-22 उनको बताया था? हाँ, उनको जो है उनको हल्का मतलब उनको पिताजी बता रहे हैं कि बस छोटे थे उनको तो बताए थे हमारे पिताजी कि हमारी जमीन यहाँ पर है, यहाँ पर नाके के पास, हाँ उनको बताए। और ना उस समय वो ना अपना फूटा वगैरह लगाए भी थे वहाँ पर। कौन बोलेगा, देख लो उसको लगा दो। नहीं, दोनों बोल रहे हैं ठीक है, JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।